देख रहे हैं आरसीए न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजन कब से शुरू किया जाएगा, इसके संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी है। मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है कि 15 नवंबर के पहले किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, 15 नवंबर के बाद होगा। एक बहुत बड़ी जानकारी भर्ती परीक्षा आयोजन के संबंध में प्राप्त हुई है। जानकारी पूरी प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर के बाद और दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक जो जानकारी मिली है, 10 दिसंबर 2020 के पहले एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट 2016 का। उसका आयोजन हो सकता है, जो विचार विमर्श चल रहा है, अभी विचार विमर्श चल रहा है, कंफर्म होगा तो बताऊंगा, लेकिन आप इसको मानकर चलिए, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कुछ प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि सर भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा, भर्ती परीक्षा कैलेंडर तैयार है, जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर तैयार है, जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, या तो अध्यक्ष पर और शासन पर निर्भर करता है। शासन के निर्देश के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, तो जब तक शासन का निर्देश नहीं होगा तब तक कोई भर्ती परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं होगा। वैसे तो बैठक की गई थी जिसमें बताया गया था, निर्देश दिया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि आप भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरा करें, चरणबद्ध तरीके से पूरा करें और भर्ती पारदर्शी तरीके से करें, तो उस प्रक्रिया के आधार पर आगे का काम हो रहा है या नहीं, जो निर्देश दिया गया था उस आदेश के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं या कहना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक माह में अधिकतम 1 से 2 परिणाम जारी किए जा रहे हैं। चलिए कुछ तो जारी हो रहे हैं, कोई मंथ ऐसा नहीं है जिस मंथ में परिणाम ना आए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। फिलहाल हाँ, जिन अभ्यर्थियों की डीवी होनी है, जैसे कि वीडियो 2018 उनकी डीवी अभी कंप्लीट नहीं हुई, ज्वाइनिंग कब मिलेगा या चिंता का विषय है, लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम कब होगा या चिंता का विषय है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जनवरी या फरवरी 2021 में लोअर पीसीएस मेंस आयोजित किया जा सकता है, जो जानकारी मिली है। सेंटर का निर्धारण हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो दिसंबर के अंतिम तक भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं जनवरी या फरवरी 2021 की हैं जो वर्तमान में चर्चाएं हैं। परिणाम को लेकर जूनियर असिस्टेंट का परिणाम कब आएगा, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि नवंबर माह में आ जाएगा, लेकिन अगर मंडी परिषद परिणाम और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट परिणाम और कंप्यूटर का एक परिणाम है, अगर तीनों परिणाम आने में विलंब होता है तो हो सकता है आपको दिसंबर माह तक जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के लिए इंतजार करना पड़े। अगर ये तीनों परिणाम समय से आ जाते हैं तो जूनियर असिस्टेंट का परिणाम नवंबर के अंतिम दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जनवरी 2021 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें, कोई भी जानकारी होती है मैं आपको सही और सटीक देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एक एक बात से, एक एक जानकारी से, एक एक काम से आप अवगत हो जाएंगे, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या काम चल रहा है, क्या बातें चल रही है, एक एक बिंदु पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।